انت الرحمن يا الله انت الرحيم يا الله انت السلام يا الله انت العزيز يا الله انت القدوس يا الله انت الجبار يا الله ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم

कि अल्लाह ताला की रहमत एक खास है एक आम है उसकी आम रहमत सब के लिए है तमाम इंसानों के लिए तमाम हैवानों के लिए तमाम मखलूक के लिए लेकिन उसकी खास रहमत सिर्फ उनके लिए है जो उस पर ईमान लाते हैं जो उसके इताद गुजार हैं, उसके फर्मा बरदार हैं। तो आज हम इनशाला देखेंगे कि अल्लाह सुबहान तला के खास बंदे अल्लाह ताला की इतात में वक्त गुजारते हैं अल्लाह को राजी करने की कोशिश करते हैं अल्लाह सुबहान पर किस तरह अपनी बिस्मिल्लाह में तो खैर्रहमान के साथ हर जगह ही आता है बिस्मिल्लाहमान लेकिन अल्लाह पाक के कुछ और नाम भी ऐसे हैं जिनके साथ रहीम का लफ्स आता है मसलन अब बहुत ज्यादा तोबा कबूल करने वाला अलगफूर बहुत ज्यादा बख्शिश फरमाने वाला अलऊफ बहुत ज्यादा शफकत करने वाला अलवदूद बहुत ज्यादा मोहब्बत करने वाला और अल अजीज बहुत जबरदस्त गालिब तो अल्लाह सुबहान तला अपने बंदों के लिए और खसूस उन बंदों के लिए जो मोमिन है जो अल्लाह गुजार हैं उनके साथ रहमत फरमाता है सुन्नत में भी नबी सबहान के इस नाम का जिक्र फरमाया हैजरत अबू बकर कहते हैं कि मैंने रसूल कहा, मुझे कोई ऐसी दुआ सिखा दीजिए जो मैं हर नमाज में मांगा करू आपने फरमाया कहो अल्लाम तो नफसी जुलमन कफीरा वलाू बंता फिर ली मकफिर तम दिका व रह नंतल गफुरम ए अल्लाह मैंने अपनी जान पर बड़ा जुल्म किया है और तेरे अलावा कोई भी गुनाहों को माफ नहीं कर सकता इसलिए खास अपने फजल से मेरे गुनाहों को माफ फरमा दे और मुझ पर रहम फरमा बेशक तू बड़ा बख्शने वाला बहुत ज्यादा रहम करने वाला है इबन उमर कहते हैं कि हम आप वसल्लम की सिर्फ एक मजलिस में सौ बार ये दुआ शुमार किया करते थे जो आप पढ़ा करते थे तब्वाब रहीम अरे रब तू मुझे बख्श दे और मुझ पर मेहरबानी फरमा बेशक तू बहुत ज्यादा तोबा कबूल करने वाला बार बार रहम फरमाने वाला है फिर इसी तरह अल्लाह सुबहान ताला ईमान के साथ अपनी ये रहमत और शफकत और मेहरबानी सिर्फ आखरत में ही नहीं करेगा बल्कि दुनिया में भी उसकी रहमत और शफकत अपने बंदों पर नजर आती है बहुत से जगहों पर हम देखते हैं कि अल्लाह सुबहान ताला का ये वादा है कि अगर तुम अल्लाह की इताहत करोगे तकवा अख्तियार करोगे तो अल्लाह तुम पर अपनी रहमत फरमाएगा सूरत हदीद में अल्लाह तरमाते हैं या अयोलन ए लोगो जो ईमान लाए हो अल्लाह से डरो वह आमिनू बे ही और उसके रसूल पर ईमान ले आओ ने युम ही, वो अपनी रहमत से दोहरा हिस्सा तुम्हें देगा यानी तुम अगर, अगर अल्लाह का तकवा करोगे और रसूल पर ईमान रखोगे तो दुगनी रहमत पाओगे वो ये जालुम नूरन तमशु नुम ऐसा नूरता फरमाएगा जिसके जरिए तुम चलते रहोगे वो यकुम और तुम्हारे गुनाहों को बख्श देगा वह गफूर रहीम और अल्लाह ताला बख्शिश फरमाने वाला मेहरबान है नू अलैहिस्सलाम और ईमान वालों के लिए अल्लाह सुबहाना ने किस तरह अपनी ये रहमत जाहिर फरमाई जो लोग उनके साथ कश्ती पर सवार थे उनके लिए कहा गया वकालबू फी हा बिस्मिल्लाजरे वर्सा इन रबी ल इसमें सवार हो जाओ अल्लाह के नाम के साथ है इसका चलना और इसका ठहरना बेशक मेरा रब यकीनन बेहद बख्शने वाला और निहायत रहम करने वाला है यानी उसकी ये रहमत किन पर हुई उन पर जो ईमान ला कर सलाम के साथ उस कश्ती में सवार हो गए अगर चाहे हर तरफ पानी ही पानी था और कशरी हचकोले खा रही थी लेकिन नूअ ले सलाम ने उनको अशोर कराया कि अल्लाह सुबहान तला बहुत मेहरबान है जिसने तुम्हें इस अजाब से निजात दी है वो आइंदा भी तुम पर अपनी रहमत फरमाएगा फिर इसी तरह अहल जन्नत के लिए अल्लाह सुबहाना फरमाते हैं लहुम फी हाफा की तुम वायउन सलाम कौलम रबीम उनके लिए उस जन्नत में बहुत फल है और उनके लिए उसमें वो सब कुछ है जो वो तलब करेंगे यानी जो भी उनकी सारी ख्वाहिशात है वो वहां पर पूरी कर दी जाएगी सलाम उस रब की तरफ से कहा जाएगा जो गफूर रहीम है तो इससे भी ये पता चलता है कि जन्नत जो अल्लाह ताला की रहमत है वो उन लोगों के लिए खास है जो उस पर ईमान रखते हैं दुनिया में भी अल्लाह सुबहान तला ने जो एहकाम हमें दिए है बाजोकत हमें बाहर मुश्किल नजर आते हैं لكن بوبيد رسل الله سبحانه وتعالى كي کا نتیجہ كنتيجه قران مجيد معتها يا ايها الذين امنوا ليستاذنكم الذين ملكت ايمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاه الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيره ومن بعد صلاه العشاء ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن

घरेलू जिंदगी के अंदर के अहकाम हैं जो अल्लाह सुबहाना ने दिए हैं। इसमें एक रुकावट नजर आती है लेकिन इबन अब्बास कहते हैं बिला शुबा अल्लाह हलीम है और मोमिनों पर बहुत रहम फरमाने वाला है और वो पर्दे को पसंद करता है क्योंकि उस दौर में घरों में बाकायदा दरवाजे नहीं होते थे और पर्दे और आ, कपड़े के पर्दे वगैरह होते थे तो बाजौकात कोई खादम आता बच्चा या कोई बच्ची आ जाती और मर्द अपनी बीवी के साथ होता तो अल्लाह ताला ने उन्हें पर्दे के इन औकात में इजाजत लेने का हुक्म दिया तो अल्लाह ताला का ये मोमिनों के लिए उसकी रहमत का बास था यानि रहमत की वजह से उसने अता किया फिर इसी तरह हम देखते हैं कि मुख्तलिफ अवकात में अल्लाह तला अपने नेक बंदों की जिस तरह दुआएं सुनते हैं और जिस तरह उनकी फरियादे सुनकर उन पर रहम फरमाते हैं उसका जिक्र भी कुरानी मजीद में मिलता है एक बड़े हिस्से को गुजार चुके थे इंतहा बुढ़ापे की उम्र में पहुंच चुके थे लेकिन अपने रब की रहमत से कभी मायूस नहीं हुए वो कहते हैं लम अखुन बिदवा कर रबी शकिया अल्लाह तुझसे दुआ मांग कर तुम्हें कभी बदबक रहा ही नहीं मेरी दुआ तो हमेशा सुनी गई मैं कैसे तुझसे मायूस हो सकता हूं

और सर बुढ़ापे से शोले मारने लगा यानी बिल्कुल सफेद हो चुका है और अः मेरे रब मैं तुझे तो पुकारने में कभी भी महरूम नहीं हुआ यानी तूने हमेशा मुझ पर रहमत की और वाकई जब उन्होंने रब की रहमत को पुकारा तो अल्लाह सुबहाना ने इस बुढ़ापे में जबकि वो खुद भी बूढ़े थे और उनकी बीवी भी बांझ हो चुकी थी उनकी दुआ सुनी और उन्हें जैसी औलाद दी जिसका नाम भी अल्लाह सुबहान तला ने खुद रखा फिर इसी तरह बाजुकात अहले ईमान पर दुनिया में इम्तिहान आते हैं आजमाइशें आती हैं तो लोग अमूमन ये कहते हैं कि फिर रब की रहमत तो ना हुई लेकिन हकीकत यह है कि बाज इम्तिहान और बाज मुश्किलात भी इंसान के लिए रहमत होते हैं अल्लाह कुरान मजीद में, में फरमाते इन माल उसरी युसरा फ इन्ना माल उसरी युसरा बेशक तंगी के साथ आसानी बस यकीन तंगी के साथ आसानी भी है यानी अगर कभी ईमान के बावजूद नेक काम करने के बावजूद दुआओं के बावजूद हालात मुश्किल हो जिंदगी में तकलीफ हो परेशानी हो तो भी कभी यह नहीं सोचना चाहिए कि हमारा रब हमसे नाराज है या वो दुआ नहीं सुनता या उससे किसी भी किस्म का ऐसा कोई गिला शिकवा ना हो क्योंकि किसी भी चीज में तखिर ये भी अल्लाह के इजन से होती अल्लाह हर हाल में अपने बंदों पर मेहरबान है हम नहीं जानते हम तो जाहिर चीजों को देखकर फैसले करते हैं लेकिन वो मेहरबान रब जानता है कि मुझे अपने बंदे को किस वक्त किस नेमत से नवाजना है कौन सी नेमत, उसे कब मिलेगी तो वो हकीकत में शुक्रगुजार होगा और कौन सी नेमत उसके अंदर फर्मा की बजाय नाफरमानी भी ला सकती है इसलिए वो अपने बंदे को कुछ चीजों से रोक कर रखता है और इस रोकने में ही बंदे के लिए फायदा और भलाई होती है असल बात यह है कि इंसान अपने रब पर एतम करते हुए उसके फैसलों पर यकीन करते हुए और उसकी रहमत को महसूस करते हुए उस पर पूरा ट्रस्ट रखे और उसके फैसलों को दिल से कबूल कर ले क्योंकि उसके ये फैसले भी रहमत पर ही मबनी है नबी सल की अहली हजरत आयशा कहती है मैंने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ताउन के बारे में पूछा प्लेग बीमारी है आपने फरमाई एक अजाब है अल्लाह ताला जिस पर चाहता है भेजता है लेकिन का तो उस बीमारी का शिकार मुसलमान भी हो जाते हैं तो फिर क्या वो लोग जो ईमान की हालत में है या वो लोग जो अच्छे काम कर रहे हैं अगर वो इस बीमारी का शिकार हो जाए तो क्या उन पर भी अजाब आ गया नहीं फरमाया बेशक अल्लाह ने इसको मोमिनों के लिए बायस रहमत बनाया वो किस तरह वो इस तरह कि अगर कोई ताउन की बीमारी में फौत हो जाता है तो वो शहादत का मरतबा पाता है और शहीद का दर्जा और रुतबा तो सबको मालूम है एक और रिवायत में आता है ने फरमाया, जब जमीन में बुराई आम हो जाएगी तो अल्लाह ताला अहले जमीन पर अपना अजाब नाजल फरमा देगा अगर इनमें नेक लोग हुए तो जो लोगों को पहुंचा वो उनको भी पहुंचेगा क्योंकि बाजत ऐसी आ, ऐसी चीजें आ जाती है कोई तूफान आ जाते हैं आंधियां आ जाती है जलजले आ जाते हैं, हैं। उसमें नेक और बद सभी पिस जाते हैं तो ऐसी सूरत में अगर वो किसी कौम पर अजाब भी हो तो उसके अंदर पाए जाने वाले अहल ईमान के लिए वो चीज भी रहमत बन जाती है फरमाया फिर वो अल्लाह की रहमत की तरफ लौट आएंगे यानी वो अल्लाह से इस हाल में जा मिलेंगे कि अल्लाह ताला उनसे राजी होगा और वो आखिरत में अल्लाह की रहमत को पालेंगे क्योंकि मोमिन को इस दुनिया में कोई भी तकलीफ जो आती कोई भी परेशानी जो आती हत्या कि अगर उसको सिर्फ एक कांटा भी चुप जाता है कोई कांटे की प्रिक भी हो जाती तो उस पर भी उसके गुनाह माफ होते हैं उस पर भी वो अल्लाह सुबहान तला का कुर्ब हासिल करता है तो इसलिए मोमिन के तो हर हाल में खैर ही खैर है उसके हर हाल में भलाई ही भलाई है और ये चीज मोमिन के सिवा किसी को नसीब नहीं कि जब उसको कोई नेमत पहुंचती है और वो शुक्र अदा करता है तो अल्लाह ताला उससे राजी होता है अल्लाह ताला उससे खुश हो जाता है और अगर उसे कोई तकलीफ आती है और उस पर वो सबर करता है तो अल्लाह सुबहानुता की रजा पाता है और सबर पर उसको बेहद अज़र मिलता है इसलिए अगर आप अच्छे अच्छे काम कर रहे हो अल्लाह की इबादत में भी कमी ना करते हो सद का भी करते हो और भी नेकी के कामों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हो और इन सब कामों के करने के बावजूद अगर फिर हालात तंग हो जाए फक्र फाका आ जाए या किसी और तरह की आजमाइश आ जाए तो कभी भी शैतान ये वसवसा दिल में डालने में कामयाब ना हो कि तुम्हारा रब तुम पर नाराज है और वो तुम पर अपनी रहमत कभी भी नहीं भेजेगा या कभी तुम्हारी दुआ कबूल नहीं होगी नहीं बंद मोमिन के लिए इस दुनिया में हर चीज रहमत ही रहमत है कभी अच्छी शकल में और कभी तकलीफ दे शक्ल में क्योंकि बास तकलीफ इंसान को अल्लाह सुबहान और ज्यादा करीब कर देती एक रिवायत से ये पता चलता है कि बंदे के लिए अल्लाह सुबहानु ने खास मकाम और दर्जा रखा होता है अपने यहां जब अल्लाह तला देखता है कि बंदा सिर्फ अपने अमल की बिना पर उस दर्जे को नहीं पहुंच पा रहा तो वह उस पर कोई इम्तहान भेज देता है कोई तकलीफ भेज देता है और जब वो उस पर सब्र करता है तो उस सब्र की वजह से वो उस बुलंद मंजिल को बहुत तेजी से पहुंच जाता है तो बाजूकत हम सोचते हैं कि हम तो अच्छे काम कर रहे थे फिर हम पर ये मुसीबत क्यों आई फिर हमारे लिए मुश्किल क्यों खड़ी हुई उस वक्त बंदे को समझ नहीं आती लेकिन बंदे की समझ तो मामूली है कमजोर है बंदे को हर बात समझ आ ही नहीं सकती अल्लाह सुबहान तला का इल्म कामिल है और अल्लाह के अलावा सारी मखलूक का इल्म तो एक कतरे के बराबर भी नहीं इसलिए हमें ऐसी बातें कैसे समझ आएंगी कि कोई तकलीफ हम पर क्यों आई है लेकिन अल्लाह सुबहान तला अपने बंदों पर हर हाल में मेहरबान है और वो तकलीफ के जरिए भी दरअसल बंदे पर रहम कर रहा होता है फिर इसी तरह बाजात इंसान के ईमान का इम्तिहान हो जाता है और ऐसे हालात पेश आते हैं कि इंसान को अपनी जबान से वो बात कहनी पड़ जाती है जो उसका दिल नहीं कह रहा होता बाजोकत किसी ऐसी सिचुएशन में होता है कि वो अल्लाह की इताहत करना चाहता है लेकिन वो नहीं कर रहा होता नहीं कर पाता बावजूद कोशिश के तो ऐसी सूरत में भी अल्लाह सुबहान तला उस पर नाराज नहीं होता मसलन इस्लाम से पहले दौरे जाहिलियत में मदीना में बाज लोग लॉन्डियों से कोहबागरी का काम करवाते थे यानी प्रोस्टिट्यूशन आम थी इस्लाम ने उसको रोकने की पूरी कोशिश की और उसको हराम करार दिया और बहुत से लोगों को इस अजाब से निजात भी दिलाई इसके बावजूद बाज लोग जो मुसलमान नहीं थे आ, वो इस गलत काम में मुल्वस थे तो अल्लाह सुबहाना ने उन औरतों के लिए खास तौर पर फरमायान्ना गफूर रहीम की वो, वो औरतें अगर मजबूर कर दी गई है वो खुद इसे ना पसंद करती हैं लेकिन साथ मजबूर है कि उनकी कोई सेन नहीं वो गुलाम है उनकी कोई आजादी नहीं वो खुद कुछ नहीं कर सकती तो अल्लाह सुबहान तला इन मजबूर लौंडियों के लिए गफूर और रहीम है क्योंकि अल्लाह से पढ़कर कौन जानता है कि उसका कोई बंदा किस हाल में है वो कितनी स्ट्रगल कर रहा है कितनी कोशिश कर रहा है तो बाजोकत कोशिश के बावजूद भी अगर इंसान कुछ अच्छे काम नहीं कर पाता जो वो करना चाहता है तो अल्लाह ताला उसकी नीयत का आजर ही लिख लेते हैं हदीस में आता है तुम्हारा रब तबारो को ताला बड़ा रहीम है अगर कोई शख्स नेकी का इरादा करता है और उसे कर नहीं पाता तो उसके लिए सिर्फ इरादे पर सिर्फ नीयत पर उसके लिए सवाब लिख लेता है फिर अगर वो उसे कर गुजरता है तो उसके लिए दस नेकियों से लेकर सात सौ गुना तक लिख देता है बल्कि इससे भी ज्यादा सवाब लिख दिया जाता है और अगर कोई शख्स गुनाह का इरादा करता है और फिर उसको करता नहीं है तो इस ना करने पर भी उसके लिए नेकी का सवाब लिख दिया जाता है हालांकि उसका इरादा था बुरा करने का लेकिन उसने किया नहीं और अगर वो उसको कर लेता है तो उस गुनाह पर सिर्फ एक गुनाह लिखा जाता है या अल्लाह उसको भी मिटा देता है तो आप देखिए अल्लाह की रहमत क्या कोई और ऐसा हो सकता है हलताम समिया कोई भी ऐसा मेहरबान नहीं हो सकता जो सिर्फ इंसान की अच्छी नीयत और अच्छे इरादे पर उसको अजर देने वाला हो या अगर कोई अपना बुरा इरादा बदल ले तो उस पर भी शाबाश देने वाला हो तो फिर इसी तरह अला सुबहान ताला ईमान वालों पर ना सिर्फ यह कि उनकी जिंदगी में और आखरत में बल्कि दुनिया से उनके जाने के बाद भी उनके अहाल की हिफाजत करता है यह भी उसकी खास रहमत है मसलन नबी सल्लाम जब मदीना तशरीफ लाए तो 16-17 माह तक तकरीबन बैतलमस की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ते रहे उसके बाद तहवील किबला का हुक्म हुआ खाने काबा की तरफ रुख करने का तो ऐसे में वो लोग जो इस दौरान फौत हो गए थे और उन्होंने पहले ही किबले को यानी किबला अव्वल को ही अपना किबला बना रखा था तो उनके दिल में यह ख्याल पैदा हुआ बाकी लोगों के कहीं उनकी नमाजें जया तो नहीं हो गई तो उस पर अल्लाह सुबहान तला ने फरमाया कि अल्लाह ऐसा नहीं कि तुम्हारे ईमान जया कर दे बेशक अल्लाह अपने बंदों पर बड़ी शफकत करने वाला और बड़ा रहीम है वो तो बंदे का दिल देखता है कि उसके अंदर क्या शौक है क्या इरादा है वो खुद क्या करना चाहता है तो अगर एक बंदा खुद नेकी का इरादा करता है और अच्छी नीयत के साथ कोई अच्छा काम करता है लेकिन उसकी समझ में बात दुरुस्त नहीं होती वो तो भी अल्लाह ताला उस पर उसको अजर दे देता है फिर ईमान वालों की औलाद पर अल्लाह ताला रहमत करता है सूरत कहाफ में एक बहुत खूबसूरत वाक्य मिलता है जिसमें मूसा खिजर अल्लाम से मुलाकात करने के लिए जाते हैं फिर खिजर अल्लाम उनको कुछ सिखाने के लिए कश्ती में सवार होते हैं और मुख्तलिफ जगहों का टूर करते हैं इस दौरान वो एक बस्ती में जाते हैं वहां से खाना मांगते हैं लेकिन उन्हें खाना नहीं मिलता रास्ते में वो देखते हैं चलते हुए कि एक दीवार गिरने लगी है तो वो उसको तामीर कर देते हैं मुसलम बहुत हैरान होते हैं कि जिस बस्ती वालों ने आपको खाना नहीं दिया आप उनकी दीवार तमीर कर रहे हैं तो उस पर बाद में जब उन्होंने उसकी वजह बताई फरमाया वह अम्बल अमल फकान यती मई न फिल्मीन थी वान तहतुल्ल تحته वान अबू हुमा साहरा रबुका अयलुगा अशुद्ध हुमा ओय तख रिजा कंज हमा रहमत من रबिक और रही दीवार तो वो शहर में दो यतीम लड़कों की थी और उसके नीचे उन दोनों के लिए खजाना दफन था जो उनका बाप उनके लिए छोड़ गया था और उनका बाप नेक आदमी था वो नेक आदमी दुनिया से चला गया बच्चे छोटे हैं कोई इनकी हिफाजत करने वाला नहीं उनके बालो मता की हिफाजत अल्लाह सुबहानु ताला खिजर सलाम को भेज के कर रहे हैं और उस पर दीवार बनवा रहे हैं और उस मौके पर जब उनको एंटरटेन ही नहीं किया गया लेकिन फिर भी अल्लाह ने उनके दिल में ये ख्याल डाला और उसकी वजह क्या थी कि तेरे रब ने चाहा कि ये बच्चे अपनी जवानी को पहुंच जाए और अपना खजाना निकाल लें तेरे रब की तरफ से रहमत करते हुए ये है रब की रहमत कि बाजा अल्लाह सुबहाना वहां से हमारी हिफाजत कर रहा होता है कि हम खुद भी नहीं जानते हमें पता भी नहीं होता और इसी तरह आखिरत में भी अल्लाह सुबहान अपने खास बंदों के चेहरों को रोशन कर देंगे और उन्हें अपनी रहमत में ले लेंगे जिस तरह दुनिया में उनकी हिफाजत करते रहे आखरत के अजाब और आखरत की परेशानियों से बचाकर उनको अपनी खास मेहरबानी और अपनी रहमत में जगह अता फरमाएंगे अल्लाह सुबहान ताला ने उन यतीम बच्चों के माल की हिफाजत की अपनी खास रहमत की वजह से और यहां यह भी याद रहे कि जब अल्लाह तला किसी पर रहमत करना चाहता है अपना फजल फरमाना चाहता है तो कोई उसको रोक नहीं सकता बंदों में तो आमतौर पर क्या होता है कि एक शख्स अगर दूसरे पर एहसान करने लगता है और किसी को पता चल जाता है तो अमूमन उसको रोक दिया जाता है दूसरे शख्स की कोई खराबी या कोई कोताही बताकर या बाजों का झूठा इल्जाम लगाकर लेकिन अल्लाह सुबहान ताला सारी रहमत उसकी अपनी फजल उसका अपना वो जिस पर चाहे करे और जब चाहे करे कोई उसको रोक नहीं सकता इर्शाद बारी ताला है माई अफल सिमिर फला मुमसिक्लायुम सिख फला मुर्सिलहू मिम बादी वह अल आजीज उल हकीम जो कुछ अल्लाह लोगों के लिए रहमत में से खोल दे अता कर दे तो उसे कोई बंद करने वाला नहीं आमतौर पर हम समझते हैं कि फलां के हसद की वजह से नमत रुक गई या फलां वजह से नहीं अगर अल्लाह देने वाला हो तो कोई रोक नहीं सकता जैसे हम हर नमाज के बाद भी पढ़ते हैं अल्लाह मलामान आत मन आता अल्लाह कोई रुकावट नहीं डाल सकता जिसको तू अता करे और कोई दे नहीं सकता जिससे तू रोक दे तो यहां भी क्या फरमाया कि जो कुछ अल्लाह लोगों के लिए रहमत में से खोल दे तो उसे कोई बंद करने वाला नहीं और जो बंद कर दे तो उसके बाद उसे कोई खोलने वाला नहीं वही सब पर गालिब और कमाल हमत वाला है इसलिए हमेशा हमें अल्लाह का फजल मांगते रहना चाहिए उसकी रहमत को पुकारते रहना चाहिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुश्किल हालात में या या याहमत एक अस्तगी पढ़ा करते थे ऐ जिंदा रहने वाले ऐ कायम रहने और रखने वाले तेरी रहमत की फरियाद करता हूं क्योंकि हमारे पास तो वो नेकमल नहीं है हमारे अंदर तो वो खूबी नहीं है कि जिसकी बिना पर अल्लाह सुबहान तला रहम फरमाए हां हम अल्लाह सुबहाना से उसका खास फजल मांगते हैं कि वो अपनी जनाब से रहमत अता कर दे फिर बंदा मोमिन जब दुनिया से जाने लगता है तो उस वक्त उसकी रूह निकालने के लिए भी अल्लाह ताला रहमत के फरिश्ते भेजते हैं जो उसके साथ मेहरबानी का मामला करते हैं और खुशबूदार कफन में उस रूह लपेट कर ले जाते हैं तो आइए यहां हम देखते हैं कि अल्लाह सुबहाना की रहमत पाने के असबाब क्या है हमें क्या करना चाहिए कि अल्लाह सुबहाना हम पर अपनी रहमत फरमाए सबसे पहली चीज तो अल्लाह पर ईमान लाना है उसकी इतात करना है उसका तकवा इख्तियार करना है लेकिन अमाल में सबसे पहला अमल जो अल्लाह सुबहान तला की रहमत का बायस बनता है वह नमाज है रसुल्लाह सल्लाह वसल्म ने फरमाया जब तुम में से कोई शख्स नमाज के लिए खड़ा होता है तो रहमत अला उसकी तरफ मुतवजह होती है यानी वो अल्लाह की खास रहमत में होता है लिहाजा उसे इधर उधर कंकड़ियों से नहीं खेलना चाहिए यानी उसे भी अल्लाह की तरफ मुतवजह रहना चाहिए क्योंकि अल्लाह तो तरह तो फरमा रहेमत का बायस बनती है सूरतमरान ने फरमाया वो अति और अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म मानो ताकि तुम पर रहम किया जाए इसी तरह कुरान मजीद की तालीमत की पैरवी करना यह भीलाहमत का जरिया है में वहादा और यह एक किताब है जिसे हमने नाजिल किया है बड़ी बरकत वाली है बहुत मुबारक है बस इसकी पैरवी करो इस किताब को फॉलो करो और तकवा करो ताकि तुम पे रहम किया जाए यानी अगर कोई शख्स यह चाहता है कि उस पर अल्लाह ताला की रहमत और फजल हो तो उसे चाहिए कि कुरान से रिश्ता जोड़े कुरान की पैरवी करे कुरान को पढ़े उसको समझे और उसके मुताबिक अपनी जिंदगी बसर करे फिर इसी तरह एक और जगह पर आता है वक्त तबलना फीहा जुनिया आखिरती इन्ना हदना इलेक अजा भी उसी बन अशाह

तो अल्लाह ताला ने क्या फरमाया फरमाया मेरा अजाब मैं उसे पहुंचाता हूं जिसे चाहता हूं और मेरी रहमत ने हर चीज को घेर रखा है सो मैं उसे उन लोगों के लिए जरूर लिख दूंगा अपनी रहमत को जो तकवा करेंगे और जो जकत देंगे यहां अल्लाह सुबहान तला ने जकत का जिक्र खास तौर पर किया नमाज का जिक्र यहां नहीं है तकवा के बाद जकत का जिक्र है नमाज का जिक्र नबी सल्हल की हदीस में है कि नमाज की हालत में अल्लाह की रहमत मुतवजह होती है और यहां पर अल्लाह का वादा है कि जो जकवात देंगे उनके लिए मैं लाजमन अपनी रहमत लिख दूंगा और उनके लिए जो हमारी आयत पर ईमान रखते हैं यानी कुरान मजीद पर किसी किस्म का शक नहीं होना चाहिए इंसान को तो जो शख्स ये चाहता है कि अल्लाह उस पर मेहरबानी कर दे अल्लाह त मुश्किल आसान कर दे तो उसके लिए लाजिम है कि वो अल्लाह तला से डरने वाला हो अल्लाह त फर्मा बरदारी करने वाला हो न सिर्फ ये अपनी जिस्मानी इबादत में बल्कि अपनी माली इबादत में भी इसी तरह कुरान मजीद को खामोशी से सुनने पर भी रहमत का वादा है फरमाया वस्तम لعلكم ترحمون, और जब कुरान पढ़ा जाए तो उसे गौर से सुनो और खामोश रहो शायद कि तुम पर रहम किया जाए यानी कुरान मजीद इतनी मुज्जस किताब है अल्लाह का कलाम है अल्लाह का फरमान है लिहाजा जो इस पर तोजो करेगा जो इसको इम्पोर्टेंस देगा वो भी अल्लाह सुबहान तला की खास रहमत में होगा फिर इसी तरह इस्तवार यानी अपने गुनाहों की माफी मांगना अल्लाह फरमाते हैं ल सूरत नमल में फरमाया साल सलाम ने अपनी कौम से कहा तुम अल्लाह से बख्शिश क्यों नहीं तलब करते गुनाह हो चुके ज्यादतियां हो चुकी तो पलट आओ इस्तार कर लो ताकि तुम पर रहम किया जाए यानी अगर कोई शख्स ये समझता है कि उससे बहुत गुनाह हो गए हैं और वो अल्लाह की रहमत से अब महरूम है तो ये सोचने के बजाय उसे फौरन पलट आना चाहिए गुनाहों को छोड़ देना चाहिए और अल्लाह तला से माफी मांगते हुए अल्लाह की रहमत को पुकारना चाहिए एक और जगह पर आता है सूरत में सू वो मैं और जो भी कोई बुरा काम करे या अपनी जान पर जुल्म करे फिर अल्लाह से बख्शिश मांगे वो अल्लाह को बेहद बख्शने वाला नहायत रहीम पाएगा यानी जिससे भी बुराई हो जाए जिससे भी कोई गलती हो जाए छोटी हो या बड़ी हो अपनी जान पर कोई जुल्म हो जाए खुद के साथ ज्यादा हो जाए और फिर तोबा कर ले तो अल्लाह ताला तोबा कबूल कर लेगा जैसे आदम ने जब वो भूल कर उस दरख्त का फल खा बैठे और उनसे जन्नत के लिए बास उतरवा लिए गए तो अल्लाह सुबहान तला से जब उन्होंने माफी मांगना चाहिए तो अल्लाह तला ने रहमत फरमाते हुए खुद उनको कलेमा सिखा दिए कि किन अल्फाज में तुम मुझसे दुआ करो तो मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूंगा उन्होंने तो क्या कहा रबना जुलम ना अनफुसना वो इलम तकफिर लना वो तरह ना लनकून नब हमने अपनी जानों पर जुल्म किया अगर तूने हमें बख्शा नहीं और तूने हम पर रहम नहीं किया तो हम जरूर नुकसान उठा जाएंगे तो अल्लाह सुबहान तको बख्श दिया तो यही सबक हमारे लिए आदम की औलाद के लिए भी यही राह है कि गुनाह हो जाए तो फौरन पलट आओ अल्लाह से माफी मांग लो

तो आप कि सलाम हो तुम पर तुम्हारे रब ने रहम करना अपने ऊपर लाजिम कर रखा है कि बेशक हकीकत यह है कि तुम में से जो शख्स जिहालत से कोई बुराई कर ले ला इल्मी से फिर उसके बाद तोबा कर ले और इस्लाह कर ले तो यकीनन वो बेहद बख्शने वाला नहायत रहम फरमाने वाला है तो इससे पता चलता है कि अल्लाह सुबहान तला की रहमत उन लोगों के लिए है जो तोबा करते हैं फिर इसी तरह अल्लाह का जिक्र अल्लाह की रहमत का सबब बनता है हजरत युसहरा जो साहबियात में थी, से थी उनसे मरवी है कि नबी सरमाया तो अपने अल्लाह की पाकी बयान करना लाजम कर लो ग ना रहा करो कि रहमत लाही को फरामोश कर दो यानी जिक्र से गफलत रहमत से दूरी की अलामत है और जो ही इंसान अल्लाह का जिक्र करने लगता है तो अल्लाह तला की रहमत उसकी तरफ मुतव हो जाती है और इन तस्बीहात को उंगलियों पर शुमार करो इन उंगलियों पर गिना करो इस जिक्र की तस्बीह को क्योंकि कयामत के दिन इनसे भी पूछ गुछ होगी हाथों से भी सवाल किया जाएगा कि किस काम में लगे रहे और इन्हें बोलने की कुत दी जाएगी तो जब ये बोलेंगे तो क्या बोलेंगे जो तस्बीहात इन पर पड़ी होगी वो बोल के इंसान के हक में गवाही देंगे फिर इसी तरह रसूल सल्लाह वसलम ने फरमाया जो लोग अल्लाह के जिक्र के लिए बैठते हैं इकट्ठे बैठते हैं फरिश्ते उन्हें घेर लेते हैं रहमत उन्हें ढांप लेती है शकीनत उन पर उतरती है और अल्लाह ताला उनका जिक्र अपने पास मौजूद फरिश्तों में करते हैं फिर इसी तरह दूसरों को माफ कर देना चाहिए अगर इंसान यह चाहता हो कि उस पर अल्लाह सुबहान तला की रहमत हो तो उसे चाहिए कि वो बंदों पर रहम करे और बंदों के कसूर माफ कर दे फिर इसी तरह बंदों की इयादत बंदों पर रहमत और शफकत अगर कोई बीमार हो जाए तो खासतौर पर उसका ख्याल करना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि सल्लाम ने फरमाया जब कोई शख्स अपने किसी मुसलमान भाई की इयादत करता है तो वो जन्नत के बागात में चलता है यहां तक के बैठ जाए और जब वो मरीज के पास बैठ जाता है तो अल्लाह की रहमत उसे ढांप लेती लेकिन कुछ काम ऐसे है कि अगर कोई बंदा करता है तो उस पर रहमत नहीं आती जिसमें खास तौर पर दूसरों पर रहम न करना संग दिल होना दूसरों के साथ ज्यादती करना नबी वसल्लम ने फरमाया, रहमत सिवाय बदबख्त के किसी से नहीं छीनी जाती फिर इसी तरह बच्चों को प्यार ना करना जब बच्चे अपने माँ बाप के पास हो तो हर कोई प्यार करता है लेकिन अगर बच्चे अपने वालदे से अलग हैं तो अमूमन उनकी तरफ लोग तवज्जो नहीं करते खुशूस यतीम बच्चों की तरफ फिर इसी तरह अल्लाह सुबहान तफत के साथ दुआएं भी मांगनी चाहिए जैसे इब्राहिम और इसमाइल की दुआ है मुस्लिम अरे ना मनासिक ना व तुब अलई ना इन्न तब्वाब रहीम ए हमारे रब और हमें अपने लिए फर्मा बरदार बना और हमारी औलाद में से भी एक उम्मत अपने लिए फर्मा बरदार पैदा कर और हमें इबादत के तरीके से कहा और हमारी तोबा कबूल फरमा क्यूँकि तू बहुत ज्यादा तोबा कबूल करने वाला मेहरबान है इसी तरह सलाम ने भी अल्लाह की दुआ की इसी तरह अगर मैय के लिए दुआ की जाए तो इस नाम के वसीले से दुआ की जाए तो अल्लाह तलाशअल्ला उस पर भी रहम फरमाएंगे जैसे आता फखिर लहू और हम हू इन्न का अंतल गफूर रहीम फिर इसी तरह जब बारिश हो तो उस वक्त भी दुआ कबूल होती है उस वक्त भी अल्लाह की खास रहमत मांगनी चाहिए मस्जिद में दाखिल होते वक्त रहमत मांगनी चाहिए अल्लाहताली अब रहमत का अहला मेरे लिए अपनी रहमत के दरवाजे खोल दे फिर सिर्फ अपने लिए नहीं दूसरों के लिए भी रहमत की दुआ करनी चाहिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स को मस्जिद में कुरान पढ़ते हुए सुना तो आपने फरमाया अल्लाह इस पर रहम फरमाए इसने मुझे फलाह और फला आयत याद करा दी जिसको मैं किसी सूरत में भूल गया था हजरत आयशा फरमाती है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे घर में तहजुद पढ़ रहे थे आपने अब्बाद की आवाज़ सुनी वो मस्जिद में नमाज पढ़ रहे थे तो आपने फरमाया आयशा क्या ये अब्बाद की आवाज़ है मैंने अर्ज किया जी हाँ आपने फरमाया अल्लाहर हम अब्बादन ए अल्लाह अब्बाद पर रहम फरमा यानी जब किसी बंदे को अच्छा काम करते हुए देखे तो उसके लिए दुआ करें अब सवाल ये पैदा होता है कि अल्लाह सुबहान ताला तो रहीम है ही इस सिफत को जानने के बाद हम पर क्या लाजम होता है हमें क्या करना चाहिए तो पहली चीज ये कि हमें अल्लाह सुबहान तला की रहमत को मुख्तलिफ चीजों के अंदर महसूस करना चाहिए हमें अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होना चाहिए हमें दूसरे बंदों के लिए मेहरबान हो जाना चाहिए संग दिली शिकावत और बदबकती की बजाय दिलों की रहमत और शफकत और मोहब्बत से अल्लाह सुबहान के सामने हाजिर होना चाहिए सब लोगों के लिए रहीम होना चाहिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये नहीं कि सिर्फ अपने दोस्त के हक में रहम दिल बन जाओ बल्कि तमाम लोगों पर रहम करना होगा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद को फरमाया कि अना नबी और मैं नबी रहमत हूं अल्लाह ताला आपके बारे में फरमाते फरमातेमीन हमने आपको जहान वालों के लिए रहमत बनाकर भेजा और ये एक बहुत बड़ी हकीकत है कि आपके अंदर दूसरों के लिए बहुत शफकत थी और किसी का भी तकलीफ में पड़ना आपको बहुत नागवार होता था और यही दरअसल रहमत है कि इंसान किसी और की तकलीफ पर खुश ना हो बल्कि किसी की तकलीफ पर उसके लिए और ज्यादा नरमी कर दे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जन्नती लोग तीन किस्म के हैं हुकूमत के साथ इंसाफ करने वाले यानी अगर उनको इकतेदार मिले तो उसमें इंसाफ का रवैया अख्तियार करने वाले सद का खैरात करने वाले तोफीक अता किए हुए वो आदमी जो अपने तमाम रिश्तेदारों और मुसलमानों के लिए रहीम और नरम दिल हो वो आदमी के जो पाक दामन पाकिजा खुलक वाला हो और अयालदार भी हो लेकिन किसी के सामने हाथ न फैलाए तो अल्लाह तला से दुआ है कि वो हम पर रहमत फरमाए और हमारे दिलों में अपनी मखलूक के लिए रहम डाल दे واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. أنت القاهر يا الله، أنت الحسيب يا الله، أنت الشافي يا الله، أنت المبين يا الله، أنت الوكيل يا الله، أنت القيوم يا الله، أنت المتين يا الله، أنت السبوح يا الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله.